सीएए को लेकर विपक्ष के विरोध के बीचों बीच अब बीजेपी भी जन जागरण की कवायद में मैदान में है। विरोध में हुई हिंसा को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी ने रविवार को उत्तर प्रदेश में कई शहरों में सीए के हक में जमकर प्रचार करते हुए जनता को जागरूक करने की कोशिश की। सीए पर हिंसक हुई विरोध की आवाजें और अब उसके समर्थन में उतरते कारवां पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून यानी बहुचर्चित सीएए जामिया से सुलगी विवादों की आग 20 दिसंबर यानी जुमे के रोज जबरदस्त हो गई। विवादास्पद कानून को लेकर विरोध का सिलसिला जो शुरू हुआ वो हिंसा का रूप लेता हुआ बर्बादी की तरफ कूच सा कर गया। तोड़फोड़, आगजनी और तबाही का मंजर कई शहरों से तस्वीरों में कैद होने लगा। हिंसा की सुलगती लपटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही उठी। हालांकि सुलगती आग के बीचों बीच सूबाई सरकार ने सबक लेते हुए विरोध में हिंसा का सहारा लेने वालों को न सिर्फ हिरासत में लेना शुरू किया बल्कि सख्त कार्रवाई के साथ कानून हाथ में लेने वालों की गिरेबानों तक इसका असर देखने को मिला। जहां विपक्ष ने इसे तानाशाही करार दिया तो सरकार ने वोटों की खातिर विपक्ष की भ्रम फैलाने की साजिश। विरोध के स्वर मध्यम पड़ते ही देश भर के साथ साथ यूपी में भी बीजेपी ने सीएए को लेकर जन जागरण हाथों हाथ तेज कर दिया। भारत माता की जय और सीएए के समर्थन के साथ फरुखाबाद में निकले प्रदर्शन की तस्वीरें आज कुछ ऐसी रही। कासगंज में भी सीएए के समर्थन में सुबह सवेरे से ही मैदान सजता नजर आया। मुजफ्फरनगर तो सीएए के समर्थन में नगाड़ों से गूंज गया। यूपी के खेल मंत्री के अलावा सांसद संजीव बालियान भी भीड़ से खुलकर मुखातिब हुए। प्रयागराज का नजारा भी हिंसा से दूर देशभक्ति में चूर नजर आया। बात संभल की जाए तो नागरिकता संशोधन कानून पर जनजागरण की कवायद यहां भी खूब परवान चढ़ी। देशभक्ति के गानों के बीच सैकड़ों मीटर लंबा तिरंगा यहां भी खूब लहराया। दरअसल सीएए को लेकर भ्रम भले ही बरकरार हो लेकिन बीजेपी भी अपनी इस कवायद के जरिए सीएए पर सही सही ज्ञान देने का दावा कर सभी को साधने में जुटी है। खैर, कोशिशें दोनों तरफ से जारी हैं। देखना यह है कि संसद के दोनों सदनों से पारित सीएए सरपट सरकता है या सियासत के स्पीड ब्रेकर से सामना भी और बाकी है।